नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 2023 अब आने ही वाला है और 2023 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और OTT की दुनिया में खास करके बहुत हलचल रहने वाली है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि नए साल में कौन सी नई वेब सीरीज, इंडियन वेब सीरीज अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि किस किस वेब सीरीज का अगला सीजन 2023 में आने वाला है और बहुत सारी वेब सीरीज इसमें ऐसी हैं जिसका कि हमको इंतजार भी है। तो दोस्तों ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट सीजन वाली जो सीरीज है, जिस सीरीज का नेक्स्ट सीजन नए साल में आ सकता है, उसमें मैंने पहला ही नाम रखा है द फैमिली मैन। अमेजॉन प्राइम वीडियोज की ये सीरीज है, तीसरा सीजन इसका आने वाला है। और दोस्तों इस बार जो कहानी है वो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने वाली है और श्रीकांत तिवारी यानी मनोज वाजपेयी के सामने एक नई ही चुनौती होने वाली है। तो दोस्तों 2023 के कहा जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में ये रिलीज हो सकती है, हालांकि इस बात की संभावना भी थोड़ी कम लगती है, लेकिन लास्ट क्वार्टर तक इसके आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा नाम है मिर्जापुर, जिसका तीसरा सीजन आने वाला है। ये सीरीज भी अमेजॉन प्राइम वीडियोज की है और इस बार हमको गुड्डू भैया यानी कि अली फजल और कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी की नई केमिस्ट्री दिखेगी, उनकी नई दुश्मनी हमको दिखने वाली है। तो इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 2023 के सेकेंड हाफ में यानी जुलाई अगस्त के आसपास कभी भी ये रिलीज हो सकती है। जो दोस्तों तीसरा नाम है वो है पाताल लोक, जिसका दूसरा सीजन आने वाला है और ये सीरीज भी अमेजॉन प्राइम वीडियोज की सीरीज है। अब पाताल लोक जो सीरीज है वो उतनी चर्चित नहीं रही, लेकिन एक बेहतरीन सीरीज है। जितनी चर्चा मिर्जापुर को मिली या द फैमिली मैन को मिली, उतनी चर्चा पाताल लोक को मिली नहीं, लेकिन किसी तरह से भी ये सीरीज इनसे कमजोर नहीं है, बहुत मायनों में बहुत ही अच्छी ये सीरीज है। तो हाथीराम चौधरी यानी जयदीप अहलावत नए सीजन के साथ हमारे सामने होंगे। बताया ये जा रहा है कि जून जुलाई के आसपास में ये सीरीज रिलीज हो सकती है। दोस्तों जो अगला नाम है वो है स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। स्कैम 1992 सोनी लिव की सबसे हिट सीरीज थी और इस सीरीज को हर किसी ने पसंद किया था। सफलता का एक नया ही कीर्तिमान इस सीरीज ने स्थापित किया। तो उसके बाद जब ये घोषणा हुई कि अब स्कैम फ्रेंचाइजी की दूसरी सीरीज आने वाली है जो कि स्टैम्प पेपर घोटाला पर होने वाली है, तो दर्शकों की क्यूरियोसिटी बहुत ही बढ़ गई थी। तो दोस्तों स्कैम 2003 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में है और इसकी भी अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। दोस्तों जो अगला नाम है वो है रॉकेट बॉय सीजन 2 का। सोनी लिव की ये सीरीज है, इसमें हमने कहानी देखी थी विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा की, कि इन दो महान वैज्ञानिकों ने किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया था। और इस सीजन में जो पहला सीजन आया था उसमें हमको अब्दुल कलाम साहब की भी एक झलक दिखी थी, तो अब इन्हीं लोगों की कहानी आगे बढ़ने वाली है। भारत के विज्ञान के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ने की कहानी हम देखने वाले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 में ये रिलीज हो सकती है। दोस्तों जो मेरा छठा नाम है वो है नक्सलबाड़ी, जिसका कि दूसरा सीजन आने वाला है। ये सीरीज है G5 की और इसका फर्स्ट सीजन आया था नवंबर 2020 में। राजीव खंडेलवाल और सत्यदीप मिश्रा थे इसमें और नक्सल समस्या पर ये सीरीज आधारित थी। सातवां नाम है दोस्तों द टेस्ट केस, जिसका दूसरा सीजन आने वाला है और ये आएगा G5 पर। अब इसकी जो अनाउंसमेंट है करीब 1.5 साल पहले ही हो गई थी और एक टीजर इसका आउट हो चुका था, हमने
मैंने ये देखा था कि हरलीन सेठी यहाँ एक आर्मी अफसर के रूप में हैं। तो ये जो पूरा साल है 2022 का बिल्कुल ही बीत गया, अब उम्मीद है कि 2023 में ये सीरीज हमारे सामने हो। दोस्तों जो आठवां नाम है वो है मेड इन हेवन का, अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ की ये सीरीज है और इसका भी काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मार्च में, और कुछ जानकारियां तो ये मिल रही है कि 3 मार्च को ये सीरीज रिलीज हो सकती है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का हमको भी इंतजार है। दोस्तों जो नौवां नाम है वो है ये काली काली आंखें, नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है, इसका दूसरा सीजन आने वाला है। जनवरी में इसका सीजन 1 आया था और कुछ ही दिनों के बाद इसके सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो अब ये जो सीजन 2 है नए साल में आपको दिख सकता है। 10वां नाम है डी कपल्ड, ये भी नेटफ्लिक्स की सीरीज है, दूसरा सीजन इसका आएगा और माधवन और सुरविन चावला इसमें लीड रोल में थे। और दोस्तों अब एक वो नाम जिसका इंतज़ार हम सबको है, एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ होती रहीं और 2022 का पूरा ही साल इसके इंतजार में निकल गया। इस सीरीज की शूटिंग हो चुकी है, प्रोडक्शन का काम हो चुका है, लेकिन ये आउट क्यों नहीं हो रही ये कुछ पता नहीं। और दोस्तों ये सीरीज है वूट सेलेक्ट की, नाम है असुर, जिसके दूसरे सीजन का इंतजार हम सबको बहुत ही ज्यादा है। और अब इसके बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तभी मैं इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि OTT की दुनिया की बहुत सारी जानकारी आपको यहां मिलती है। और आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो देखते रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप किस वेब सीरीज के अगले सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।